कल एक एरर जनरेट हो रहा था जावा की वजह से। जावा हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। जावा को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना था और सिस्टम को रिस्टार्ट करना था, इससे जावा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नहीं भी हुआ तो फिर से जावा को अनइंस्टॉल कीजिए, प्रॉपर वे से जावा इंस्टॉल नहीं हुआ तो, और फिर से जावा को इंस्टॉल कीजिए, तो आपको ये एरर्स नहीं आएंगे। वो एरर्स के पीछे का लॉजिक एक ही होता है, आपका सिस्टम का जावा। यस नीलेश सर, यदि आप सब्जेक्ट वाइज सर्च करेंगे तो थोड़ा मुश्किल तो है, इसीलिए मैं अलग अलग तरीका बताया हूँ आपको। अलग अलग वे से सर्च करके ही आपको पता करना पड़ेगा। टेंडर ऑर्गेनाइजेशन में एकदम प्रॉपर है, आप कोई भी टेंडर देख सकते हैं। बाकी में आपको एडवांस सर्च में भी वो फिल्टर्स ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ से भी आप टेंडर देख सकते हैं। तो कल हम लोग देख रहे थे MES का, हमने कल एक ID भी क्रिएट किया था, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का, जिसका डिफेंस पोर्टल है। ये आपका पोर्टल है, यहाँ पे हम लोगों ने कल एक नया ID जनरेट किया था। देखो मैं अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हूँ, हमेशा याद रखने का, जब भी आपको टेंडर भरना हो, लॉगिन करना हो, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। टेंडर सर्च वगैरह करना है तो आप क्रोम से कर सकते हैं। इसको हम प्रोसीड करते हैं। आ गया, ये नया है, बिल्कुल फ्रेश मेरा है, इसलिए साइनिंग सर्टिफिकेट आ रहा है। यदि फ्रेश नहीं होता तो मुझे साइनिंग के लिए नहीं आता था, डायरेक्ट टेंडर भरने के लिए मुझे लॉगिन करने को मिलता था। तो मैं यहाँ पे साइनिंग सर्टिफिकेट पे क्लिक करूँगा। फर्स्ट टाइम, ये आपको फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा। DSC इसके साथ इनरोल करना पड़ता है, मैप बोल सकते हो, DSC को मैपिंग करना पड़ता है। जैसे करेंगे, अभी देखो ये रन का ऑप्शन आ रहा है जावा का, जावा रन हो रहा है, रन DSC मैपिंग कैसे कर रहे थे फर्स्ट टाइम। तो इसके अंदर जो DSC है वो आ गया, इसके अंदर एक्चुअली मेरा दो DSC डाला हुआ इसलिए आ गया। सिर्फ साइनिंग का DSC आएगा इसके ऊपर, दूसरा नहीं आएगा। तो विनय कुमार, ये एक DSC है, मैं इसको इसमें अटैच करना चाहता हूँ, तो विनय कुमार को क्लिक कर दिया, ओके। इसके एक्सपायरी कब है? 11 सितंबर 2022 को। इसको सिलेक्ट करके इसको ओके करेंगे। देखो DSC इनरोलमेंट सक्सेसफुली हो गया, ओके करो, ये डायरेक्टली इनरोलमेंट हो गया। देखिए अभी यहाँ पे इनरोलमेंट बता दिया, जो कौन है, ये विनय कुमार का DSC इनरोलमेंट है, क्लास 2 का है, 11 सितंबर 2022 की इसकी वैलिडिटी है। इनरोल आपने कब किया? अभी किया 6:33 को। नेक्स्ट, यहाँ पे और एक बार OTP आएगा मुझे, कोई भी मोबाइल का, ईमेल का, दोनों में मैं कोई भी OTP दे सकता हूँ। इसको वेरीफाई एक बार फर्स्ट टाइम देना पड़ता है। देखो ये मेरा लॉगिन हो चुका, दिख रहा है आपको, ये मैं लॉगिन कर लिया। हम ठीक है, मैं फिर से इसको लॉग आउट कर देता हूँ और फिर से लॉगिन करता हूँ। अभी मुझे जो DSC मैंने लॉगिन किया है वही DSC लगाना पड़ेगा, दूसरा DSC से हम लॉगिन करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने इसको इनरोलमेंट किया है। सर एक लॉगिन आईडी पे एक ही DSC काम करेगा एक ही क्या? DSC चलेगा। यस, ये देखिए यहाँ पे लाइन हो गया, रन कर दीजिए। ये लॉगिन का ऑप्शन, ये लॉगिन का ऑप्शन आ गया, दैट मीन्स आपके सिस्टम का सेटिंग प्रॉपर है। अभी देखो ये सीरियल नंबर इसके साथ अटैच हो गया, अभी DSC का सीरियल नंबर और आपका सीरियल नंबर मैच होना चाहिए तो ही ये होगा। अभी दूसरा सिद्ध, हमने DSC लगाया और उसका सीरियल नंबर अलग है तो ये कभी नहीं चलेगा। देखो ये इंक्रिप्शन का है, हम आएंगे साइनिंग पे। साइनिंग का सीरियल नंबर क्या है? 01G29B7B1, ये हमारा सीरियल नंबर है।
ठीक है, ये अभी सीरियल नंबर इसके साथ मैच हो रहा है, तो तभी ये लॉगिन होगा। यदि आपने इसका अलग से किया तो ये कभी लॉगिन नहीं हो पाएगा। अभी यहाँ पे जिन्होंने दूसरा डीएससी लगा दिया तो लॉगिन नहीं होंगे, क्योंकि वो सीरियल नंबर कभी मैच नहीं करेगा। तभी मैच करेगा जब आपका प्रॉपर डीएससी होगा। मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लगाया, पिन आ गया। यदि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फेल्ड बोल के एरर आ सकता है, जब आप लॉगिन करेंगे तो ऑथेंटिकेशन फेल्ड बोल के मैसेज आ सकता है। ऑथेंटिकेशन फेल्ड होने का रीजन क्या क्या है? देखो, एक तो आपका जो डीएससी है वो डीएससी और आपका जो जो डीएससी आपने लगाया, दोनों जो मैच किया है वो दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। या फिर आपका जो डीएससी का ड्राइवर है इसको अपडेट करने की जरूरत है, ये ड्राइवर अपडेट नहीं है। ये दो रीजन के वजह से आपका यहाँ पे आगे फेल्ड आ सकता है लॉगिन। लॉगिन तक आया, दैट मीन्स आपके सिस्टम के सेटिंग में प्रॉब्लम नहीं है। लॉगिन के बाद, लॉगिन का बटन आने के बाद एरर आता है, दैट मीन्स आपके डीएससी में प्रॉब्लम है या डीएससी के ड्राइवर्स में प्रॉब्लम है। देखो, ये लॉगिन हो चुका, अभी मुझे डीएससी एनरोलमेंट करने को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। हाँ, मैं चाहूँ तो ये डीएससी को भी बदल सकता हूँ, दूसरा डीएससी को एनरोलमेंट कर सकता हूँ। वो ऑप्शन मुझे माय अकाउंट पे मिलता है। माय अकाउंट पे जाएंगे, जो मुझे अभी लग रहा है कि ये डीएससी यूज नहीं करना है, इसके जगह दूसरा कोई डीएससी यूज करना है, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। कैसे? तो मुझे यहाँ पे माय डीएससी, यहाँ पे कम्युनिकेशन के टैब में, सॉरी कम्युनिकेशन नहीं, प्रिविलेज में, प्रिविलेज में जीएसटी है, ऑथेंटिकेशन में डिजिटल सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन में डिजिटल सिग्नेचर पे जाएगा। अभी यहाँ पे ये अटैच हो गया। अभी मुझे लग रहा है ये डीएससी यूज नहीं करना है इस लॉगिन आईडी के लिए, दूसरा डीएससी यूज करना है, तो मैं यहाँ से मुझे पहले चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करो, इसको इनएक्टिव कर सकते हैं। अब इसको इनएक्टिव करते हैं, ये इनएक्टिव होगा तो फिर से लॉग आउट हमारा हो जाएगा। हो गया, देखो फिर से मैं लॉग इन करता हूँ। अभी मैं दूसरा डीएससी यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ। आ गया, देखो फिर से डीएससी ऐड करने के लिए, क्योंकि मैंने उसको डीएससी को क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। यदि आप पुराना देखेंगे तो आपके पास पुराना नया डीएससी भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आपने पुराना कौन सा डीएससी अटैच किया था तो पीओ एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे मुझे पहले का जो सर्टिफिकेट ऐड किया था वो दिखता है। देखो, मुझे यही डीएससी फिर से एक्टिवेट करना है तो यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, या नया डीएससी ऐड करना है तो मैं नया डीएससी ऐड, पर एक बार में एक ही डीएससी एक्टिवेट रहेगा, दो नहीं रहेगा। क्लिक करो, एक्टिवेट करो, यही पुराना एग्जिस्टिंग डीएससी आपका एक्टिवेट फिर से हो जाएगा। अब फिर से लॉगिन करूंगा तो मुझे फिर से नहीं पूछा जाएगा। रन, यहां पे लॉगिन, देखो फिर से मेरा वही डीएससी से लॉगिन हो सकते हैं, और चेंज करना है तो फिर नया डीएससी ऐड कर देता और फिर वो डीएससी से लॉगिन होते थे, तो ये डीएससी आपका निकल जाता था। अभी जो नया डीएससी लगाते थे वो मुझे अभी लगा के रखना पड़ता था। यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह भी सब कुछ चेंज हो जाता था। ये मैं अभी लॉगिन हो जाऊंगा, पहले पुराने डीएससी से ही लॉगिन हो गया, सिर्फ मैंने आपको चेंज करने का तरीका बताया। जो एग्जिस्टिंग डीएससी, आपको यदि कभी डीएससी बदलना है पोर्टल के लिए तो पहले डीएससी से लॉगिन होके आप उसको बदल सकते हो, नया डीएससी ऐड भी कर सकते हो, या फिर पुराना ही यूज करना है तो आप पुराना भी यूज कर सकते हैं। ये आपका डीएससी इनरोलमेंट और डीएससी चेंज करने का प्रोसीजर है।